12 साल हो गए ने इस काम नु करदे आ। की कारण रहा कि ये काम करना पै रहा? मेरे पिता जी की सेहत जी खराब रहन लग पी, तो उस तो बाद उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण करके साढ़े घर कोई होर कमाई का साधन नहीं सी, जिस कारण करके मैं इस अखबार के गिद्दे में आना पड़ा। किन्ने बजे आते हो, किन्ने घर अखबार जी जाके रोज दें? मैं सवेरे कोई 5:30-4 बजे के करीब इतने आ जन्नी हाँ, अखबार अपनी इकट्ठिया करके, तो अपने कोई 250-300 घर है जिन्हें घर मैं अखबार दे के आनी हाँ डोर टू डोर। हाँ जी, तो कभी कोई यहोजा कोई आया नहीं कि इन्ने मतलब कि बंदे इतने काम कर रहे, मैं कल एक लड़की होकर इतने आ रही हूँ? मेरे अज तक कभी परमात्मा की दया नाल कभी यहोजा मन च नहीं आया। चलो सारे कोऑपरेटिव ने सारे ने कभी इतने मतलब कोई यहोजी घटना नहीं हुई कि जेड़ा मेरे मन में डर बैठा हो भी मैं इतने अपने घर मतलब आ गए। एक हिसाब न मेरा भी ये सारा जरा परिवार ही अपना। इतों किन्ने पैसे मिल जाते हैं कि वो पैसों के गुजारा हो जाता है? नहीं, उन्ना पैसा ना गुजारा तो नहीं होंगे, पर चलो जी कहने भी अपना किसी के अगर हाथ फैलाने की लड़ नहीं पैंती, इन्ना सतगुरु का शुक्र है कि गुजारा नहीं होंगे, पर वो गुजारा लगभग हो जाता भी चलो थोड़ा बहुत हो जाता। इस तो अलावा भी कोई काम करते हो? इस अलावा मैं कपड़े सिलाई करनी हाँ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵਿਚਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ।